सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज उपस्थित हो गया हूँ दिल्ली हाट पीतमपुरा का। दिल्ली हाट शहर के नॉर्थ एरिया का एक बहुत ही उत्तम किस्म का जंक्शन पॉइंट है, जहाँ पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। और इसी दिशा में आज जो आयोजित हो रहा है वो है तीज मेला। सावन के इस मौसम में तीज मेले का जो आयोजन है वो बहुत ही उत्तम किस्म का त्यौहार है, और ख़ास करके एक बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद इस तरह का एक माहौल बन पाया है। और आज के इस नज़ारे में और क्या कुछ है, हम आपको सभी चीज़ों को दिखाएंगे। और ये प्रयास रहेगा कि आप भी पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार रखिए और जीवन में रंग भरिए सावन के साथ। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ है दिल्ली हाट में। जीवन में जब आप विचलित हो, समय नहीं है, शांति नहीं है, और आपको लगता है कि बहुत शॉर्टकट में ऐसा क्या कुछ कर लें, तो ज़रूरत है मेडिटेशन करने की। और मेडिटेशन के लिए यहाँ उपलब्ध है काउंटर, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके पास जितना समय है उतने ही समय में आप अपने को कंसंट्रेट कर सकते हैं। और सहज योग के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और यहाँ बताया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं अनुकूल वातावरण बनाने की, खास करके इस सावन के मौसम में। तो मौसम और माहौल जैसा कुछ भी हो, हम उसके अनुकूल ये व्यवहार रखें कि पर्यावरण के अनुकूल बने। आइए और कुछ नज़ारा हम दिखाते हैं कि दिल्ली हाट में क्या कुछ है। चूँकि दिल्ली हाट एक जंक्शन पॉइंट भी है, तो यहाँ पर क्या है कि उत्तरी दिल्ली का एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर आपको यदि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो आप दिल्ली हाट में ऐसे भी आ सकते हैं अपने मित्रों के साथ, और बातचीत करके अपने जीवन को सहज कर सकते हैं। और इसी क्रम में बहुत सारे हमारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो अपना क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड करते आ रहे हैं। तो एक बार बच्चे कराते हैं आपको, वो देखिए। हमारे साथ हैं धर्म जी उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर, और ये भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं मुकेश जी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं बुलंद शहर के पास अर्चना गांव में, और साथ में हमारे यहाँ परिचय प्राप्त करते हुए आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, हाँ बोलिए, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम समीर। बहुत बढ़िया, शरद समीर। शरद समीर जी क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, लेक्चरर था। विचार हो गया, आपकी यहाँ फार्मिंग देखी, बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छा। मेरा बहुत शौक है इसके अंदर, मुझे मौका मिला है सीखने का, मैं जरूर आपकी ये सीखूंगा और लाभ उठाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ बात हो रही है सीखने का। तो एक बात, एक शब्द जो मेरे मन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हर किसी के पास अपना ज्ञान है, अपना स्व अनुभव है। यदि हम लोग इस ज्ञान को थोड़ा थोड़ा भी शेयर कर लें, बांट लें, तो हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं भागना होगा। हम सारी चीज़ों को अपने पास लेकर आ सकते हैं, और लेकर आ सकते हैं कुदरत के नज़ारे को भी अपने पास। जहाँ पर हम बात करते हैं कि अपने घर में बगिया लगाइए, अर्बन फार्मिंग कीजिए, और घर से निकलने वाले कचरे को कम कीजिए, और इसी ज्ञान को लेकर जब हम आगे बढ़े तो हमें मिले ऐसे सोसाइटी में लोग जिन्होंने इस ज्ञान को धारण किया, और उस ज्ञान की जो परिणति है यहाँ पर एक स्टॉल के माध्यम से वो बता रही हैं कि उन्होंने क्या कुछ कर रखा है। तो कुछ महिलाएँ हैं जिन्होंने अर्बन फार्मिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकने की तरकीब में लगातार 2 साल से प्रयास करते रहें और इस जगह तक पहुंच पाएँ कि अब आपको कुछ और दिखा पाऊँ। तो आइए चलते हैं नया कुछ देखने के लिए। ज्ञान को कनेक्ट करने के लिए इस बात के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों तक अप्रोच कीजिए जिनके पास अपने आप में पर्यावरण का सेंटिमेंट है, और ज़्यादा अप्रोच ना करते हुए भी इस तरह की तरकीब कि हमें देखकर दूर से लोग यदि एक कदम चलकर यहाँ तक आ जाएं और बातचीत करना शुरू कर दें, वादा है कि आपको जरूर से कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। और क्या कुछ अच्छा मिल सकता है, आइए जानते हैं शशिमन चंद्र मैडम के पास। नमस्कार, स्वागत है। क्या कुछ अच्छा मिल सकता है नागरिकों को, सिटीजन को, आप थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे? पहले तो नागरिकों को हमारे इस प्रयास से क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे तो कितना हेल्दी खाना मिलेगा उनके परिवार के लिए और बच्चों के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम हर टाइम कंसर्न रहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा खाना मिले। दूसरी बात है कि हमारा जो घर में वेस्ट है सारा, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सब का मैनेजमेंट हो जाता है, इनकी खाद बन जाती है और ये ठिकाने लग जाते हैं, प्लांट्स की मिट्टी में जाते हैं, और वेजिटेबल्स ग्रो करने में भी इनका यूज़ होता है। और कई तरह के बायो एंजाइम्स वगैरह जब हम बनाते हैं तो हमारा जितना भी वेस्ट है उन सब का अच्छे से मैनेजमेंट।
खराब हो जाते हैं, हम इनके लैंडफिल्स नहीं खड़े होने देते। अच्छा, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी कुछ हम एनवायरनमेंट के लिए करेंगे कल को हमारे फ्यूचर जनरेशन के ही काम आएगा। हमारे इतनी पोल्यूशन बढ़ रही है यहाँ पे, तो उसको ठीक करने के लिए एनवायरनमेंट को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस मामले में एक बहुत बड़ा प्रयास है हमारी संस्था के द्वारा, बहुत कुछ किया जा रहा है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और ये सब हम प्रवीण सर के साथ मिलके इनकी गाइडेंस में कर रहे हैं। ठीक है, बात होती है बेहतर पर्यावरण के लिए, तो युवा अवस्था में भी यदि आप चाहें कि बेहतर पर्यावरण के कुछ गुण सीख लें जो कि आपके जीवन पर्यंत काम आए, तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हमारे साथ हैं आकांक्षा सिंह, तो आइए जानते हैं आकांक्षा सिंह कि उन्होंने अब तक की जर्नी में क्या कुछ सीख रखा है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा सिंह। हम लोग भी लगे हुए सर के साथ सीखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अभी क्या होता है, हमारे एज में जनरली लोग इस फील्ड में नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें लगता है कि अभी हमारी एज नहीं हुई है, कुछ और करते हैं। पर समय ऐसा आ गया है कि कुछ ना कुछ करते रहना ज़रूरी है। इन्वायरमेंट में बहुत तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग की भी छोटी छोटी कोशिश है, जैसे स्टॉल लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच आपका भी। और देखिए, एक सामूहिक रूप से जो प्रयास है वो इस तरह से दिखना चाहिए, और जब सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो जाकर वातावरण भी सही होगा। सुनीता मैम है हमारे साथ, हमारे पास आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, तो इनसे भी सब सुनते हैं, कैसा लग रहा है आपका? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अवेयरनेस है, और मतलब घर में लगाने की और ऑर्गेनिक चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत बढ़िया, त्योहारों की उमंग यदि इस तरह से दिखे, जहाँ पर एक फूल छटा हो, खास करके हरियाली हो, और खास करके तीज का माहौल हो, तो सौभाग्य का प्रत्येक तीज आपके जीवन में नित्य नई खुशियों को लेकर आए, और आपके जीवन में भी मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा छा जाए। और इन्हीं बात को लेकर हम पहुँचते हैं मेहंदी के इस रंग के लिए, और उस रंग हिना, आप यदि खुश रहेंगे तो आपके जीवन में हमेशा हरियाली रहेगी, और इस हरियाली को लेकर पहुँचते हैं और लोगों के बीच जागरूकता के बीच। हमारे चाहते हैं उत्तराखंड से धर्म जी हमारे को बताएंगे कि उत्तराखंड में भी हम लोग अब क्या प्रयास में लगे हुए हैं, जहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं जीवन का, और होम स्टे में वहाँ जाकर परमानंद की प्राप्ति में जा सकते हैं। जी धर्म जी बताइए, क्या कुछ आपका स्कीम है? मेरा स्कीम ये है कि पूरे इस संसार में ये पृथ्वी जो हमको मिला है, इस प्लानेट को बचाया जाए सबसे पहले, और इसी मुहिम में तरह ये एक कार्य से इसको नहीं बचाया जा सकता है, हजारों कार्य, हजारों हाथ इसके लिए चाहिए। उसी का एक छोटा सा पार्ट जो कि जैसे हिमालय है, हिमालय में हम रहते हैं, तो इस हिमालय में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर, ये सब चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर लोग जो है एक तो पलायन ना करें, और शहर में जाके इतना भीड़ ना हो, वहाँ के लोग वहाँ पर रुकें। तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, इसी में हम जो है एक ऑर्गेनिक होम स्टे खोलेंगे, ताकि लोग जो है स्वस्थ रहें और वहाँ आएँ, और वहाँ के वातावरण में रह के, और यदि वो किसी भी अंडर ट्रीटमेंट हैं, किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, और डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप 10 डोज में ठीक हो जाएंगे, हम कहते हैं उस बीमारी को लेकर आप वहाँ आइए, तो 10 डोज जो है आप 5 डोज में ही ठीक हो जाएंगे, अगर आप वहाँ का वातावरण में रहते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, और वहाँ के शुद्ध पर्यावरण में रह के आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अपने को रिकवर करने में हेल्प करें। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस पड़ाव में, अगले पड़ाव में है कि जीवन के इस पड़ाव में जब हम पहुँचते हैं कि हमारे लिए अब जीवन एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम रेस्ट करें, एंजॉय करें, और शशि गोयल मैडम बता रही है कि कैसा लग रहा है ये ओवरऑल माहौल, मौसम रंग ला रही है धीरे धीरे, और पेड़ लगाने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो मेरा ख्याल से जब हम अपनी सब्जियाँ देखते हैं, फल देखते हैं, तो जो आनंद अनुभूति होती है वो कहीं और नहीं। बहुत ही बढ़िया, जीवन के इस आनंद को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों का बस एक प्रयास मात्र है, और इस प्रयास मात्र को जीवन पर्यंत करते रहेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, पुनः उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।